नमस्कार, अभी हम मौजूद हैं सिवान स्टेशन परिसर में और आपको दिखाना चाहेंगे कि किस तरह की यहाँ पे जो ट्रेनें आ रही हैं, जो ट्रेनों से यात्री आ रहे हैं उनके लिए क्या व्यवस्था किए गए हैं, ये हम आपको दिखाने का प्रयास करते हैं। अपने कैमरामैन से कहेंगे कि ये है सिवान स्टेशन का जो द्वार है, यहीं से स्टेशन में आप प्रवेश करते हैं और आगे आपको प्लेटफॉर्म तक आप जाएंगे। तो अपने कैमरामैन से कहेंगे कि आप थोड़ा चले और करीब से दिखाएं कि किस तरह की जो है तैयारियां यहां पे की गई है और कैसे व्यवस्था है। आप सबसे पहले इंटर करेंगे तो आपको बताएं कि यहां पर पुलिस बल के जो जवान हैं वो आपको मिलेंगे। हम आपको दिखाना चाहेंगे कि देखिए बिहार संपर्क जो क्रांति ट्रेन है वो ट्रेन आ गई है यहाँ पर। आप देख रहे होंगे तस्वीरों में कि वो ट्रेन भी आ गई है जिसका इंतज़ार कई लोग कर रहे थे, यानी कि जो आ रहे हैं, जो मजदूर आ रहे हैं, जो फंसे हुए लोग आ रहे हैं उनके परिजन सहित सिवान जिला प्रशासन भी उनका इंतज़ार कर रहा है कि वे लोग सिवान पहुँचे तो उनको क्वारंटाइन सेंटर जहाँ भी बने हों वहाँ उनको लेकर जाया जाए। आपको हम स्टेशन परिसर में दिखाना चाहेंगे कि सबसे पहले आप प्रवेश करेंगे तो एक बैरिकेडिंग की गई है, देख सकते हैं कि इसे बांध करके बैरिकेडिंग की गई है। यहाँ से आप निकलेंगे बाहर, यहाँ से आप निकलेंगे और वहाँ से प्रवेश करेंगे। जो यात्री यहीं से निकलेंगे तो उनके लिए देखिए यहाँ पे कुछ व्यवस्था की गई है। यहाँ पे इनसे हम जान लेते हैं आप लोगों की यहाँ पे क्या मतलब किस लिए लगाया गया है आप लोगों को। यहाँ हमको सैनिटाइजर के लिए लगाया गया है और एक्सीडेंट टेस्टर के लिए लगाया है। यहाँ टीटी साहब टिकट चेक करते हैं, जो यहाँ पे टिकट चेक करने के लिए जी। अच्छा, तो टिकट चेक निकलते यहीं पे टिकट चेकिंग होगा, यहाँ पे आपको सैनिटाइज किया जाएगा जी। और ये जो मशीन है इसके थ्रू आप जांच किया जाएगा जी सर जी। अपने कैमरामैन से कहेंगे कि दिखाएं आपकी ये मशीन है और इसी के थ्रू जांच किया जा रहा है, उसके बाद उनको वापस यानी कि जहाँ जाना हो वहाँ भेजा जाएगा। सैनिटाइजर भी रखा गया है और तो और यहाँ पे उनका जो टिकट है वो जांच किया जा रहा है, गहन चेकिंग है, यानी कि ऐसी चेकिंग है ताकि कोई परिंदा भी पर नहीं मार सकता है। खैर, हम चलेंगे दूसरी ओर जहाँ से लोग स्टेशन से लोग एंट्री करेंगे, हम वहाँ चलते हैं तो आपको दिखाना चाहेंगे कि देखिए यहाँ भी पुलिस। अच्छा, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर भी दोनों तरफ वहाँ तो टिकट चेकिंग हो रहा है, सैनिटाइज किया जा रहा है और उनका टेम्परेचर चेक किया जा रहा है, लेकिन इस तरफ जब आएंगे तो यहाँ भी मजिस्ट्रेट बैठे हुए हैं। यहाँ भी सर आप लोगों को किस लिए यहाँ पे लगाया गया है इनसे जान लें कि कंफर्म टिकट वाले ही अंदर जाएं, वेटिंग और बिना टिकट वाले अंदर न प्लेटफार्म पर न घुसें। तो ये टिकट कहाँ से मिल रहा है जैसे उन लोगों को? टिकट IRCT बाहर से कटा के आ रहे हैं और रेलवे काउंटर से। तो रेलवे काउंटर तो अभी तो खाली दिख रहे हैं? नहीं, उधर बाहर से। अच्छा, दूसरे जगह पे चल रहे हैं। तो और क्या काम है आप लोगों का यहाँ पे, जैसे आप लोग बैठे हुए हैं तो और मजिस्ट्रेट में? बस यही चेकिंग में लगे हुए हैं यात्रियों की सुरक्षा के लिए। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराया जा रहा है, जैसे मान लेते हैं कि जैसे ट्रेन आई तो भीड़ हो जाता है? हाँ, नहीं तो गोला बनाया हुआ है, लाइन लगवा कर गोले से गोला एक एक करके निकला जाता है। तो हम आपको दिखाना चाहेंगे कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे गोला भी लगा हुआ है, गोलाकार बनाया गया है, करीब 2 से 2.5 मीटर की दूरी पे बनाया गया है ये गोलाकार, और ऐसे ही इस तरह से लोग बाहर निकलते हैं। कुछ लोग हैं, आपसे हम बात करेंगे थोड़ा सा, कहाँ से आए हैं आप? मैं पटना से आया हूँ। आप पटना से आए हैं तो इसी ट्रेन से आए हैं अभी? जी, अभी बिहार संपर्क क्रांति से। तो पटना से आप चल के आए, कोई परेशानी हुई आपको? नहीं सर, कोई तो परेशानी नहीं हुई, टिकट था, टिकट कराए थे हम लोग तो अभी आए इसे। ट्रेन कौन सी थी आपकी? बिहार संपर्क क्रांति। अच्छा, अभी अभी आप उतरे हैं जी, तो कोई परेशानी आपको नहीं हुई? कुछ भीड़ भाड़ तो नहीं दिख रही है? सर, ज़्यादा भीड़ भाड़ नहीं था, जो कंफर्म टिकट था वही लोग आए थे, एक्स्ट्रा लोग नहीं आए थे। नाम बता दीजिए। मेरा नाम अंगेश कुमार पड़ेगा, अंगेश कुमार। तो ये अंगेश कुमार है, ऐसे ही बहुत सारे यात्री हैं वो पहुँचे हुए हैं। हम चलेंगे उस पार और जो यात्री आ रहे हैं उनसे हम बात करने की कोशिश करेंगे कि उनको कैसी सुविधा यहाँ पर मिल रही है। फिलहाल हम आपको लिए चलते हैं इस तरफ
और जो यात्री आ रहे हैं उनसे हम बात करेंगे। आपसे हम एक मिनट बात करेंगे। ये लोग निकल रहे हैं, हम चलते हैं किसी और तरफ, उसके बाद से हम उनसे बात करते हैं कि क्या स्थिति है, किस तरह की उन्हें जो सुविधाएं प्रदान की जा रही है, वे लोग कहां से आ रहे हैं, ये सभी हम बातें को जानेंगे और उनकी क्या कहना है ये भी हम जानेंगे। आपसे एक मिनट हम बात करेंगे, एक मिनट सुनिए थोड़ा। आप कहाँ से आ रहे हैं? पटना से आ रहा हूँ। पटना से आप आ रहे हैं तो किस तरह की कोई परेशानी हुई? ना, कोई परेशानी नहीं, किसी तरह का परेशानी नहीं हुआ। तो कहाँ के रहने वाले हैं बेसिकली आप? हम बड़हरिया के रहने वाले हैं। तो पटना के रहने वाले हैं, बड़हरिया हैं, फिर यहाँ से आपको क्वारंटाइन सेंटर भेजा जाएगा या फिर कुछ पता है आपको? हाँ, पता तो है कि जो मैंने अपने राज्य से जो आएगा उसको क्वारंटाइन में नहीं जाना है। तो होम क्वारंटाइन करना है तो कम से कम 7 दिन तक तो आपको घर पे रहने को कहा जाएगा। रहेंगे ना? हाँ रहेंगे, सबसे अलग रहेंगे ना। हाँ, काहे नहीं रहेंगे। ठीक, नाम बताइए अपना। विजय यादव। देखा आपने कि ये विजय यादव हैं और ऐसे ही सभी लोग का बहुत सारे लोग हैं ट्रेन से उतरे हुए हैं। हाँ, पटना से एक दो यात्री जिनसे हमारी बात हुई वो लोग पहुँचे हुए हैं और ये सभी लोग पटना से सिवान पहुँचे हुए हैं। हम और लोगों से बात करेंगे। कहाँ से आए हैं आप? हाजीपुर से। आप हाजीपुर से यहाँ पे आए, कोई दिक्कत नहीं? किसी का दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, सोशल डिस्टेंसिंग का आमतौर पे बोला जा रहा है पालन कराने के लिए, थोड़ा रुक गई। तो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो रहा है, देख रहे हैं आप? हाँ, ठीक ही था, ट्रेन में तो था ही, हम जानता हूँ तो इसी में टिकट था तो पालन था। अब जनरल क्लास और स्लीपर क्लास का तो हम बता नहीं सकते हैं। और लोग हैं, इनसे बात करते हैं। कहाँ से सर आए हैं आप? हम तो आए हैं झारखंड से। आप झारखंड से बिहार आए हैं, तो कोई किसी प्रकार की आपको तो सुविधा तो नहीं हुई? नहीं, कोई असुविधा नहीं हुआ। थोड़ा यहाँ ऑटो वाले जो है विशेष किराया मांग रहे हैं बहुत ज़्यादा पटना में, हाजीपुर के लिए। अच्छा। मनमानी तरीके से, बस यही बात है और कोई बात नहीं है। तो झारखंड से आप सिवान पहुँचे हैं, सिवान में तो आपको होम क्वारंटीन करने या फिर क्वारंटाइन सेंटर भेजने के बारे में कुछ तो पता है आपको? तो ये पता हो गया है कि हाँ होम क्वारंटाइन होना है, ठीक है ना। जो 11 प्रदेश से 11 जगह से आएंगे जो कि कंटेनमेंट जोन है, तो वहाँ से जो है मान लीजिए कि प्रॉब्लम है, ऐसी कोई बात नहीं है, ठीक है ना। होम क्वारंटाइन ही होंगे लेकिन उसमें भी आइसोलेट तरीके से ही रहेंगे। नाम बताइए। जी, मेरा नाम शैलेश। तो ये शैलेश हैं और ये आपको एक और तस्वीर आपको दिखाना चाहेंगे कि जो बिहार संपर्क क्रांति जो ट्रेन थी वो आई हुई थी सिवान, यात्री पहुँचे हुए थे पटना से, हाजीपुर से, झारखंड से, कई जगहों से पहुँचे हुए थे। तो सभी यात्री निकल गए हैं और ये दूसरे जगह के लिए यानी कि देवरिया, गोरखपुर, इस सब इन जगहों के लिए जो यात्री हैं उनके लिए रवाना हो चुकी है। आप देख सकते हैं कि ये ट्रेन निकल रही है धीरे धीरे और सभी जो लगभग सभी जैसे कहना है, हमने बात किया कि संतुष्ट हैं जो यात्री आ रहे हैं यहाँ पे, वो यात्री लगभग उनका कहना है कि संतुष्टि मिल रही है। एक यात्री ने बताया कि पटना जो जंक्शन है वहाँ पे ऑटो वाले किराया की ज़्यादा मांग करते हैं। तो ये पटना का विषय है, फिलहाल पटना प्रशासन को भी चाहिए कि ऑटो जो हैं उन पर भी जो विधि सम्मत हो कार्रवाई करे, जो ज़्यादा पैसा जो मांग करे वो मांग नहीं कर सके। ऐसे ही में और क्या जानकारी है स्टेशन के लिए और कहां से कौन ट्रेनें आ रही है, इसको लेकर हम चलेंगे से अभी यहां के जो स्टेशन मास्टर हैं उनसे हम बात करेंगे और जानेंगे कि क्या है स्थिति और कौन सी ट्रेन आएंगी।